हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडेज और टॉपिक इज ह्यूमन ऑक्यूपेशन, या मैं ऐसे कहूं कि आज का हमारा टॉपिक होगा मानवीय क्रियाकलाप यानी ह्यूमन एक्टिविटीज का। तो बच्चों हम पढ़ेंगे ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। जैसा कि मैं बताऊं आपको, मानव के व्यवसाय, मानव जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ एक्टिविटीज को करते हैं जिससे उनको अर्निंग होती है, जिन एक्टिविटीज को करने से उनको किसी प्रकार का लाभ या किसी प्रकार का बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है या अर्निंग होती है, वो एक्टिविटी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल होती है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसको इंक्लूड करते हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो मानव के द्वारा की जाती हैं, जिनको करने से मानव को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो वो स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से या फिर किसी से इंस्पायर होके या फिर किसी के वेलफेयर के लिए या किसी को डिवोशन के लिए या पैट्रियोटिज्म के लिए अगर कोई भी एक्टिविटी करता है और उसके पीछे कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं होता है तो उसको हम रखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जैसे फॉर एग्जांपल, घर पे अगर मम्मी आपकी कोई खाना बनाती है आपके लिए तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उस एक्टिविटी को करने के पीछे उनका कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। लेकिन वही एक्टिविटी अगर कोई सर्वेंट या कोई नौकरानी के द्वारा किया जाता है तो उसके द्वारा वो अपना कुछ पारिश्रमिक बेच लेती है तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने का वो चार्ज करता है तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब स्पेशली जो ह्यूमन एक्टिविटीज है या ह्यूमन ऑक्यूपेशंस है, उन ऑक्यूपेशंस को हम 5 कैटेगरीज में रखते हैं अकॉर्डिंग टू RBSE। अगर हम देखें स्पेशली, वैसे 3 कैटेगरीज होती है ह्यूमन ऑक्यूपेशंस की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरेस्ट्री। लेकिन फिर भी अगर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनकी 5 कैटेगरीज में रखा गया है उनको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरेट्री, क्वार्टनरी और क्वीनरी, ये 5 कैटेगरी है। प्राइमरी एक्टिविटी जो भी एक्टिविटीज आती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है, उनको रेड कॉलर एक्टिविटीज कहा जाता है। जो भी लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं उनको बोला जाता है रेड कॉलर एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज होती है इनको एक कॉलर दिया गया है, कलर दिया गया है जिससे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं ह्यूमन एक्टिविटीज को। देखिए ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टेरेस्ट्री एक्टिविटी, क्वार्टनरी एक्टिविटी और क्वीनरी एक्टिविटी। इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय, इनको एक्टिविटी कहा जाता है। यहां पर हम स्टार्टिंग में आज पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज को। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं एनवायरमेंट से, नेचर से रिलेटेड होती हैं। जो भी ह्यूमन के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती है वो डायरेक्टली नेचर से जुड़ के की जाती है, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो या अदर मिनरल्स हो, माइनिंग हो, फिशिंग हो, ये जितनी भी एक्टिविटी की जाती है डायरेक्टली रिलेटेड होती है नेचर से। तो नेचर से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटी की जाती है उसको बोला जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में हम किस किस एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। यानी हंटिंग का मतलब होता है शिकार और गैदरिंग का मतलब होता है संग्रहण। यानी यहाँ पर शिकार और संग्रहण, यानी शिकार करना और संग्रहण करना, एकत्र करना, ये एक एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी है जिसको बोलते हैं पोस्टुलिज्म एक्टिविटी, ये इसको बोलते हैं चलवासी कृषि यानी एनिमल रियरिंग। इसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं अपने जीवन यापन के लिए जो एनिमल्स होते हैं उनको रियरिंग करते हैं और उससे अपने जीवन या अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग,
जिसको बोलते हैं मत्स्य व्यवसाय, ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। फिर एग्रीकल्चर, कृषि, जो कृषि है एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप्स की जाती है, कहीं कमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है, कहीं आप देखेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है, कहीं प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की जाती है, कहीं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है। लेकिन एग्रीकल्चर के जो टॉपिक आएगा उसमें हम इनकी डिफरेंट जो कैटेगरीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी जो एग्रीकल्चर है वो भी प्राइमरी के अंदर आती है। इसके अलावा जो माइनिंग है, खनन और क्वेरिंग, ये खनन भी जो हम किसी भी मिनरल को या किसी भी चीज को अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सब प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। इस तरीके से मैंने बताया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं या ह्यूमन ह्यूमन ऑक्यूपेशंस आर डिवाइडेड इन फाइव कैटेगरीज। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी एंड क्वेनरी। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं, पहला हम बात करते हैं हंटिंग का। हंटिंग की बात करें और गैदरिंग की बात करें तो हंटिंग एंड गैदरिंग इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। जब मानव का अस्तित्व पृथ्वी के ऊपर आया था तो वो डायरेक्टली किसके संपर्क में था, नेचर के, और इस समय की स्थिति थी जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, यानी प्रकृति का बोला बाला था। और इस समय पूरी तरह से प्रकृति पूरी तरह से मानव का प्राकृतिकरण था। ओके, मानव जो कुछ करता था वो प्रकृति के अनुसार करता था और अपने सर्वाइवल के लिए वो प्रकृति पर निर्भर था, यानी नेचर पे डिपेंड था। यानी जैसा कि आपने पढ़ा है फर्स्ट लेसन में एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, निश्चयवाद में आपने पढ़ा है कि मानव केवल प्रकृति की सुनता है और प्रकृति उसमें सुपर है। तो सबसे पहले मानव ने हंटिंग करना शुरू किया अपने सर्वाइवल के लिए, शिकार करना शुरू किया और गैदरिंग करना शुरू किया। इस समय जो सोसाइटी होती थी, जो समाज होता था, वो प्रिमिटिव स्टेज में होता था, यानी प्राथमिक अवस्था में होता था, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बहुत ही लो थी, ना के बराबर थी। इसलिए जो सोसाइटी थी वो प्रिमिटिव स्टेज में थी, प्राथमिक स्थिति में थी। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि मानव था, जो लोग थे, जो सोसाइटी थी, वो फुली डिपेंड थी, किस पे डिपेंड थी, नेचर पे, प्रकृति पे डिपेंड थी, प्रकृति से बाहर नहीं थी। क्लियर? फिर मैं बात करता हूं पीपल लोकेटेड इन हॉट एंड वेरी कोल्ड रीजंस। अगर स्पेशली बात करें तो हंटिंग और गैदरिंग से रिलेटेड आज भी कई ऐसी जगह हैं, ये प्रिमिटिव स्टेज की बात है, लेकिन आज भी कुछ जगह पर हंटिंग और गैदरिंग की जाती है। तो ये उन जगह पर की जाती है जहां पर आज भी सोसाइटी वो प्रिमिटिव स्टेज में है, और ऐसी स्टेज मिलती है जहां पर हॉट और वेरी कोल्ड रीजंस हैं। अगर मैं बात करूं वेरी कोल्ड रीजंस की, तो मैंने आपको आपके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड, उसमें मैंने एस्किमोस को पढ़ाया था, जो बहुत ही ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, स्पेशली ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, इस रीजंस में, आर्कटिक, इस रीजन में रहते हैं, जहां पर वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए वो केवल केवल किस पे डिपेंड होते हैं, हंटिंग पे। तो इस प्रकार की जो जो ऑक्यूपेशन है, मोस्टली एक्टिविटी है, वो हॉट और वेरी कोल्ड रीजंस में की जाती है। ये लोगों के पास जो मोस्टली ये हंटिंग करते हैं, वो उनके जो टूल्स हैं वो प्रिमिटिव टूल्स हैं, लेकिन जैसे जैसे ये लोग मॉडर्न सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में आए हैं, इनका जो हंटिंग करने का और गैदरिंग करने का जो मेथड है उसमें भी चेंज आया है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि ये भी लोग जो पहले प्रिमिटिव टूल्स की जगह अब जो मॉडर्न टूल्स है उनका यूज करने लगे हैं, लेकिन ये लोग स्पेशली आज भी प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं। क्लियर? इस तरीके से हमने पहले हंटिंग और गैदरिंग को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं पोस्टर्निज्म को। पोस्टर्निज्म, पहले ह्यूमन हंटिंग और गैदरिंग हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पोस्टल एक्टिविटीज को। ओके, यस, पोस्टर्निज्म, हंटिंग एंड गैदरिंग के बाद में हम पढ़ेंगे पोस्टर्निज्म।
इसको बोलते हैं चलवासी चारागाह, यानी पशु चारण, पशु चारण इसको बोलते हैं। ओके, इसमें एनिमल रियरिंग आता है, एनिमल्स को पाला जाता है। जब हंटिंग और गैदरिंग जो एक्टिविटीज की जा रही थी और ह्यूमन ने जो फील किया कि हंटिंग और गैदरिंग से उसे कोई वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इसके लिए उसने पोस्टलिज्म को अपनाया, यानी एक तरह से पशुपालन को अपनाया जिसके द्वारा वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसके लिए उसने कुछ एनिमल्स थे, उन एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को, उनमें से कुछ चूज किए एनिमल्स ऐसे जो उसके लिए काफी बेनिफिशियल थे, उन एनिमल्स को चूज करके उनको उसने डोमेस्टिकेट किया और डोमेस्टिकेट करके उनसे बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोड्यूस थे, आइटम्स थे, वो प्राप्त किया और फिर उनका यूज किया या उनकी सेलिंग करके उसने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं पोस्टलिज्म जो होता है, पशुपालन होता है, इस पशुपालन के अंदर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहां पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। अगर हम स्पेशली देखें तो पोस्टलिज्म है वो वर्ल्ड के अंदर स्पेशली चार जगह पर देखने को मिलता है। उसमें फर्स्ट है, अगर हम बात करें तो उसको बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर 5 to 30 degrees लैटिट्यूड्स पे फैले हुए हैं। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, ये 5 to 30 लैटिट्यूड्स के बीच में पाए जाते हैं और इन यहां पर जो एवरेज रेनफॉल होता है वो बिलो 100 centimeters होता है, यानी बिलो 100 centimeters होता है। और यहां पर जो ग्रास मिलती है उस ग्रास की लंबाई 3 meters तक होती है। यहां जो ग्रास पाई जाती है उनकी, इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सूडान, सूडान में इसको बोला जाता है सवाना, सवाना ग्रासलैंड्स। ओके, इसके अलावा वेनेजुएला, वेनेजुएला में इसको बोला जाता है लानोस, लानोस, लानोस। ओके, लानोस इसको बोला जाता है वेनेजुएला में। और ब्राजील में इसको बोला जाता है कंपोस, ब्राजील में क्या बोला जाता है कंपोस। और हाउ अफ्रीका में इसको बोला जाता है लैंड। ओके, ये ग्रास के मैदान है, इन ग्रास के मैदानों को कहा जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ओके, ये 5 to 30 degrees लैटिट्यूड्स के बीच में मिलते हैं। यहाँ एवरेज रेनफॉल है तो 100 सेंटीमीटर से कम होती है, यहाँ जो घास होती है वो 1.8 meters to 3 meters होती है। और इस ग्रास को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सूडान में इसको सवाना के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला में इसको
लेनोस के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में इसको कंपोज के नाम से जाना जाता है, और अफ्रीका में इसको पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो है उसके बारे में, दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो है मोस्टली वो पाए जाते हैं 30-45 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में। क्लियर, ये 30-45 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में पाए जाते हैं ये ग्रासलैंड्स, और इन ग्रासलैंड्स को हम अलग अलग विश्व में अलग अलग नामों से जाने जाता है। इनको अगर हम बात करें, इनको अगर अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर इनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, यूएस में एंड कनाडा इनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, रशिया में इनको, या यूरेशिया में, यूरोप और एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो इनको यूरेशिया में इनको स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनको, अगर हम देख इनको ऑस्ट्रेलिया में देखें तो इनको बोला जाता है डाउन्स। ओके, अगर हम इनको बात करें अफ्रीका में वेल्ड, वेल्ड के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हम देखेंगे इन ग्रासलैंड्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्लियर, ये हम, इसके अलावा जो ये पोस्टुलिज्म है वो इन ग्रासलैंड्स के अलावा जो डेजर्ट हैं, यानी जो इस मरुस्थलीय भाग हैं, वहां पर भी पोस्टुलिज्म को किया जाता है, स्पेशली थार डेजर्ट, इसके अलावा अरब डेजर्ट, इसके अलावा अगर हम बोले अफ्रीकन या डेजर्ट, वहां पर भी ये पोस्टुलिज्म को किया जाता है। इसके अलावा जो माउंटेनियर एरियाज हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर भी पोस्टुलिज्म को अपनाया जाता है। स्पेशली अगर हम भारत और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, भारत के हिमालयन क्षेत्रों की बात करें, तो हम देखते हैं यहां पर रहने वाले जो गुर्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दीज हैं, भूटियाज हैं, ये भी पोस्टुलिज्म को अपनाते हैं और अपने पशुओं को पालते हैं। तो यहां पर माउंटेन एरियाज में जहां पर ऊपड़ खाबड़ और सरफेस होता है, वहां पर ये अपने पशुओं को पालते हैं। इस प्रकार स्पेशली हमने देखा कि वर्ल्ड के अंदर 4 जगह पर ये पोस्टुलिज्म को किया जाता है, और इस पोस्टुलिज्म को करने के अंदर स्पेशली हम आपको बात बताएं कि ये 2 प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है पोस्टुलिज्म। एक को बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग और एक को बोलते हैं कमर्शियल एनिमल रियरिंग। अब यहां पर आपको ध्यान देने की बात है, देखिए
नोमैडिक हर्डिंग, जैसा कि वर्ड है नोमैडिक, नोमैडिक मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है और कमर्शियल क्या होती है एक, ठीक है। हाँ पोस्टुलिज्म, पोस्टुलिज्म को हम स्पेशली दो कैटेगरी में बांट देते हैं, नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल स्टोर गैदरिंग। जैसा मैंने आपको बताया जो नोमैडिक, ये नोमैडिक का मतलब होता है जो लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने हर्डिंग के साथ में, अपने एनिमल्स के झुंडों के साथ में, वो एक स्थान से दूसरे जगह पर घूमते हैं, उसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। यानी ये लोग पानी और चारे की तलाश में, यानी फूड, वाटर एंड फोडर की तलाश में मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस। इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। तो ये नोमैडिक हर्डिंग जो की जाती है ये एक तरह से प्रिमिटिव सब्सटेंस एक्टिविटी है। प्रिमिटिव सब्सटेंस एक्टिविटी को बोलते हैं कि हम बोलते हैं एक प्राथमिक जीवन निर्वाह क्रियाकलाप है, यानी ये प्राथमिक अवस्था है जीवन यापन की, इसलिए इसको हम रखते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस एक्टिविटी में। ये नोमैडिक होते हैं, ये मूव करते हैं वाटर फोडर की सर्च में प्लेस टू प्लेस, ओके। साथ ही साथ ये ट्रांसह्यूमेंस को भी अपनाते हैं। ट्रांसह्यूमेंस क्या होते हैं, ये लोग जो होते हैं नोमड्स जो होते हैं ये अपने एनिमल्स के साथ में जब समर आता है तो हाई एल्टीट्यूड्स पे चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन्स में अगर हम देखें गुर्जर बकरवाल या गद्दीज या भूटियाज को हम देखें तो वो एनिमल्स को लेके जब समर सीजन आता है तो हाई एल्टीट्यूड्स पे यानी माउंटेन पीक्स पे चले जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ में फोडर की तलाश में। और जब विंटर आता है तो ये लोग जब यहाँ स्नो गिरने लगती है तो वो अपने एनिमल्स के साथ में वापस वैली या प्लेन्स में आ जाते हैं हाई एल्टीट्यूड से। तो इसका मतलब ये समर में तो चले जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे फोडर की तलाश में, और जब विंटर आता है तो ये हाई एल्टीट्यूड से लौट के प्लेन्स और वैलीज में वापस आ जाते हैं। तो यानी मौसम के अनुसार ये लोग हैं मूव करते हैं और मौसम के अनुसार आते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस, ओके। अब ये लोग हैं पशुपालन में स्पेशली शिप गोट कैमल हॉर्स या क्लामास रेडियर या डंकी वगैरह कई तरह के एनिमल्स हैं उनको पालते हैं। और इस सल में इन लोगों के लिए इनकी जो वेल्थ होती है वो यही एनिमल्स इनकी वेल्थ होती है। अगर इनकी वेल्थ की बात की जाए तो इनकी वेल्थ जो होती है वो इनके एनिमल्स होते हैं, और इनके लिए बहुत बड़े एरिया की जरूरत होती है जिसकी वजह से ये नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। लेकिन आज के समय जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनने की वजह से इनका जो क्षेत्र है वो संकुचित हो गया है, कॉन्ट्रास्ट हो गया है, ओके। तो इनके लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता पड़ती है। समय गुजरने के साथ साथ जैसे ही मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ उसके साथ साथ पोस्टुलिज्म है, जो पोस्टुलिज्म है जो पशु चारण है या जो पशुपालन है उसमें भी बदलाव आए हैं और उसको उसका स्थान ले लिया है कमर्शियल लिविंग स्टॉक रेयरिंग में। ये कमर्शियल लिविंग स्टॉक रेयरिंग होता है यहाँ पर वाणिज्य पशुपालन होता है, इसके अंदर ये मॉडर्न कमर्शियल एक्टिविटी है, ये आधुनिक व्यवसायिक क्रियाकलाप है। इसके अंदर ये जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक्टिविटी है वो टेंपरेरी होती है, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन यहाँ पर ये परमानेंट होती है। यहाँ पर किसी जगह पर हमें मूव करने की आवश्यकता नहीं होती, एक ही जगह होती है वहां पर ये एनिमल रेयरिंग की जाती है। यहाँ पर स्पेशल केयर की जाती है, यानी किसी भी चीज को देखें तो स्पेशल केयर की जरूरत होती है। यहाँ पर एनिमल्स की विशेष देखभाल होती है, एनिमल्स के पानी यानी उनके वाटर, उनके फोडर, उनके हेल्थ, इन सब पे, उनकी शेडिंग, इन सब पे विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी उनके शुद्ध जल के ऊपर, उनके चारे के ऊपर, उनकी साफ सफाई को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है, स्पेशल केयर की जाती है। इसके साथ साथ उनकी स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर वेटनरीज
डॉक्टर्स की फैसिलिटीज होती है जो समय से मिलकर उनके हेल्थ को चेक करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको रेंचेस में रखा जाता है। रेंचेस का मतलब होता है बाड़े होते हैं, उनमें रखा जाता है और उन बाड़ों के अंदर फोडर ग्रो किया जाता है और फिर उनको वन बाय वन एक से दूसरे में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर उनके लिए विशेष रूप से या स्पेशल फोडर अरेंजमेंट किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक मेथड है एनिमल रियरिंग का, यानी एक संगठित और वैज्ञानिक पद्धति है एनिमल रियरिंग करने की। यहाँ पर जिन एनिमल्स को रियर किया जाता है उनमें बिल्च एनिमल्स स्पेशली देखें तो दुधारू जानवर और इसके साथ साथ अन्य जानवरों को भी यहाँ पर रखा जाता है जिनसे मांस यानी मीट, वूल, हाइड, फर और स्किन प्राप्त की जाती है और मिल्क प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाते हैं जिनको ये बाजार में सेल करते हैं और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है वो अर्न करते हैं। इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं इंपोर्टेंट एक्टिविटीज। ओके, इंपोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ वुमन। ओके, ये मॉडर्न फॉर्म है। ओके, जबकि ये प्रिमिटिव फॉर्म है। ओके, यहां पर पूरा मेथड है एनिमल रियरिंग का वो बदल चुका है। ओके, तो इस तरीके से आज हमने हमारे वीडियो में दो एक्टिविटीज के बारे में जिक्र किया। पहला हमने हंटिंग और गैदरिंग के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने पोस्टुलिज्म के बारे में पढ़ा यानी पशुपालन के बारे में पढ़ा और पशुपालन में भी नोमैडिक हंटिंग और कमर्शियल लिविंगस्टॉक रियरिंग पढ़ा। हमारा अगला जो वीडियो होगा वो एग्रीकल्चर के टाइप्स पे होगा। ओके, आपने ये वीडियो देखा, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पर कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।